बात बढ़ गई है, बवाल बढ़ गया है। अडानी मुद्दे को विपक्ष ने हथियार बना लिया है और कांग्रेस ने उस हथियार को धार दे दी है। देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं और अडानी को लेकर सरकार पर सीधा वार कर रहे हैं। दिल्ली के चांदनी चौक और जंतर मंतर की दो तस्वीरें देखी। चांदनी चौक में कांग्रेस के कार्यकर्ता मोर्चा बंदी के लिए उतरे हैं। नहीं, मांग देखिए, संसद सत्र चल रहा है, संसद सत्र है, देश के चुने हुए जनप्रतिनिधि जनता की आवाज बनकर मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी संसद में आइए। और हिंडनबर्ग जो अमेरिकन एक रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि अडानी की कंपनियां फर्जी हैं, लोग उस फर्जी कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं और वो डूब रहा है, और सच्चाई उस पर चर्चा करवा दीजिए, सच्चाई देश को बता दीजिए, प्रधानमंत्री एक कदम आगे आकर कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। वहीं जंतर मंतर पर कांग्रेस का छात्र संगठन NSUI ने मोर्चा संभाल रखा है। जोर आजमाइश है, बवाल है और नारेबाजी है। और अडानी के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन की तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है बैरिकेड पर चढ़ गए। यहां से पार्लियामेंट स्ट्रीट पर SBI बैंक का घेराव करने जाने के लिए दोनों तरफ से बैरिकेड लगाए गए ताकि इनको रोका जा सके। और अब ये पूरा हिस्सा पार करते हुए जिस रास्ते पर निकले हैं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, देखिए LIC और SBI का ये चेक बना करके ये तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो सीधा अब बैरिकेड पर चढ़ गए हैं। यहाँ पर CRP लगाई गई, दिल्ली पुलिस लगाई गई ताकि इनको रोका जा सके, उसके बावजूद ये बैरिकेड तक आ गए हैं और अब बैरिकेड पर चढ़ गए हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। ये नकली नोट है, करेंसी, इनको हवा में लहराया जा रहा है। वहाँ संसद में प्रदर्शन, यहाँ सड़क पर प्रदर्शन। गरीब विरोधी सरकार, हाय हाय, किसान विरोधी सरकार, हाय हाय। अब जम्मू की तस्वीरें देखिए, यहाँ भी जोरदार हंगामा है। कांग्रेस कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और अडानी के मुद्दे पर। दक्षिण भारत में हैदराबाद से लेकर बेंगलुरु चेन्नई तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने LIC दफ्तरों और बैंकों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और अडानी के मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मुंबई में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह जगह प्रदर्शन किया और पूरे मामले की JPC जांच की मांग की। जिस तरह नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अडानी के ग्रुप में SBI बैंक के लोगों ने 27,000 करोड़ जांच करो, जो जनता का पैसा है, वो जनता का पैसा अडानी के शेयर में घुसा, इन्वेस्ट किया और उसके बाद में जो हालत हुई आज देश की, बैंक 27,000 करोड़ में डूब गए, उसके खिलाफ हम JPC की मांग कर रहे हैं। अडानी को लेकर संसद में विपक्ष का संग्राम पहले से जारी है और अब उस तनातनी की सियासी किस्त सड़कों पर भी दिखाई दे रही है। आज तक ब्यूरो।